नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। सूचना ये मिल रही है कि राहुल गांधी की जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये अपने निर्धारित समय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। जानकारी ये मिल रही है कि एक हफ्ता पहले राहुल गांधी अपनी यात्रा समाप्त कर देंगे। और इधर चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंधित जयंत चौधरी भी उनका साथ छोड़ गए, इंडी अलायंस का साथ छोड़ गए हैं, इसलिए ये बताया जा रहा है कि अब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के पहले वो करीब 11 दिन बिताने वाले थे, लेकिन इधर जानकारी मिल रही है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को भी शॉर्ट कर दिया है और अब बस कुछ ही पूर्वी जिलों में होकर के वो मध्य प्रदेश निकल जाएंगे। जानकारी ये मिल रही है कि साहब 19 फरवरी को ये अमेठी और रायबरेली में रहेंगे और इनकी बहन जो अभी तक दिखाई नहीं दी हैं इनके साथ, वो भी रायबरेली और अमेठी में इनके साथ मंच पर या इनकी यात्रा में दिखाई दे सकती हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी, आपको पता ही है कि 14 जनवरी को मणिपुर से इन्होंने शुरू की थी यात्रा और 20 मार्च को मुंबई में समाप्त करने वाले थे, तो अब जो नई सूचना मिल रही है वो ये है कि 10 मार्च के और 14 मार्च के बीच में अपनी यात्रा खत्म कर देंगे। तो ऐसी जल्दी क्या है, क्यों नहीं अभी अपनी जो यात्रा है वो 20 मार्च तक इन्होंने बनाए रखी, क्यों पहले खत्म करना चाहते हैं? तो जानकारी ये मिल रही है कि जिस तरीके से एक के बाद एक इनको झटके लग रहे हैं और जो इनके सहयोगी झिटक रहे हैं, इनको इनका साथ छोड़ रहे हैं, अकेले लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इनके पश्चिम बंगाल में कदम रखने से पहले ही घोषणा कर दी कि वो तो अकेले ही चुनाव मैदान में जाएंगी। फिर अखिलेश यादव ने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी। हालांकि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को 7 सीटें दी थी और जयंत चौधरी भी उनका साथ छोड़ गए, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि जयंत चौधरी ने अपने बागपत के जिला अध्यक्ष को कह दिया है कि तैयारी शुरू करिए, बागपत से ही मैं चुनाव लड़ूंगा। इसका मतलब ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर बागपत से चुनाव मैदान में उतरेंगे और वहां से जो जीते थे 2019 में इन्हीं को हरा करके डॉक्टर सत्यपाल सिंह, उनको या तो भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में भेजेगी या उनके लिए कोई और बात उन्होंने सोच रखी होगी, पर यहां से जयंत चौधरी अगर चुन लिए जाते हैं, जिसकी के पूरी पूरी संभावना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी उनको सहयोग रहेगा जिसने ये सीट जीती थी 2019 में, तो उसके बाद ये राज्यसभा की सीट छोड़ेंगे। और जानकारी तो ये भी मिल रही है, पता नहीं कितनी सत्यता है, कि इनकी जो पत्नी है चारू चौधरी, वो फिर राज्यसभा में भेजी जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। तो राहुल गांधी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश ना आना ये दर्शाता है कि अभी उनकी समाजवादी पार्टी से भी नहीं बन पा रही है और जयंत तो उनके इधर आने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनके दादा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे करके उनको एक तरीके से उपकृत भी किया है। और जब मीडिया उनसे पूछ रहे थे तो वो कह भी रहे थे कि मैं किस मुंह से अब
भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को मना करूंगा। अगर आप देखें राहुल गांधी की इस यात्रा को, तो मणिपुर के बाद जब वो मेघालय गए और मेघालय के बाद असम गए, तो उनकी मुसीबतें जो हैं वो शुरू हो चुकी थी। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे या तो उनके सहयोगी छिटके या उनकी अपनी कांग्रेस पार्टी के नेता ही दूसरे दलों में चले गए या भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। और वो मणिपुर से शुरू करके नागालैंड, असम गए, मेघालय गए, पश्चिम बंगाल गए, तो मैंने बताया ममता बनर्जी ने क्या किया, बिहार गए तो उससे पहले ही नीतीश बाबू भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, झारखंड पहुंचने वाले थे उससे पहले हेमंत सोरेन जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए, उड़ीसा में भी बहुत ठंडा उनका स्वागत रहा और दौरा रहा, कंट्रोवर्सी वहां भी रही। अभी छत्तीसगढ़ में है तो वहां पर हम देख रहे हैं कि मोदी मोदी के नारों से उनका स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि जो पूरब के इलाके हैं, पूर्वी इलाके हैं, बस वहां तक ये अपनी यात्रा सीमित करने वाले हैं। अमेठी और रायबरेली की तो जानकारी मिल ही रही है, इसके अलावा ये लखनऊ जाएंगे, ये कानपुर भी जाएंगे, ये झांसी भी जाएंगे, सीतापुर नहीं जाएंगे, कट शॉर्ट कर दिया है, चंदौली से वाराणसी जाएंगे और फिर भदोही, प्रयागराज और प्रतापगढ़ होते हुए अमेठी जाएंगे और अगले पड़ाव में ये रायबरेली होते हुए लखनऊ और उसके बाद मध्य प्रदेश निकल जाएंगे। तो सवाल ये है कि ये कट शॉर्ट इन्होंने क्यों किया है। कट शॉर्ट करने की वजह ये है, इनकी समझ में आ गया है, देर से ही सही लेकिन इनकी समझ में आ गया है कि जब बाकी की सारी राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुके हैं, रणनीति बनाना शुरू कर चुके हैं, तब ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। मुझे तो कई बार अफसोस भी होता है, आश्चर्य भी होता है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रही है जिसने करीब 55 साल 60 साल तक देश पर शासन किया है, अकेले इनके परिवार के ही तीन लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने ही मिलकर के 35 साल से अधिक समय तक शासन किया है। कौन है इनको सलाह देने वाला कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है। जब इंडी अलायंस के गठबंधन दल इनसे कह रहे थे कि आप बैठिए, सीट शेयरिंग पर बात करते हैं, किस राज्य में किसका कितना दावा बनता है इस पर चर्चा कर लेते हैं, तब ये करीब 6,500 किलोमीटर की यात्रा पर निकल गए। इनको लगा कि ये जो करीब 355 लोकसभा सीटें हैं इनको साध लिया जाए, लेकिन ये भूल गए कि 2019 में इन सारे क्षेत्रों में ही मिलाकर के कांग्रेस की कुल 14 सीटें आई थी, कितना ही क्या कर लेंगे। और कुछ नया कहने को इनके पास है नहीं, वही पुरानी चीजें रिपीट करते रहते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर बजता रहता है, वही वही चीजें दोहराते रहते हैं। तो ऐसे में लोगों पर भला क्या असर पड़ने वाला है इनकी यात्रा का, ये समझ से बाहर की बात है। बल्कि इस यात्रा के दौरान इन्होंने कुछ पाने के बजाय खोया ही है और नॉन सीरियसनेस का आरोप भी इनके सहयोगियों ने ही इन पर चस्पा कर दिया है, लगा दिया है। तो अब देखते हैं, जैसे जैसे आगे यात्रा बढ़ रही है तो इसका क्या हश्र होगा, लेकिन ये सूचना थी कि ये कट शॉर्ट कर रहे हैं, अब 20 मार्च तक नहीं चलेंगे, 10 मार्च तक ही अपनी यात्रा को खत्म कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल
और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।